press the bell icon and never miss another update from NTI. एकता कपूर को टीवी की क्वीन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जब तक लोगों को समझ में आता है कि एकता कपूर का अगला कदम क्या होगा, वो अपनी नई चाल चल चुकी होती हैं। अब उनके सुपरहिट टीवी सीरियल नागिन को ही ले लीजिए। किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि ये सीरीज रिलीज होते ही सुपरहिट हो जाएगी और एक के बाद एक इसके 3 सीजन आ जाएंगे। जहां पहले सीजन की शुरुआत मौनी रॉय के साथ हुई, तो वहीं तीसरे सीजन में सुरभि ज्योति अपनी अदाकारी का तड़का लगा रही हैं। नागिन के पहले 2 सीजन्स काफी हिट रहे और वो लगातार टीआरपी लिस्ट में भी पहले नंबर पे ही रहते थे। इस शो को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, उससे साफ है कि एकता कपूर नागिन 4 जरूर लेकर आएंगी, लेकिन उन्होंने अभी से ही नागिन 4 की प्लानिंग कर रखी है। इसका किसी को अंदाजा नहीं था। असल में कुछ दिन पहले ही एक्ट्रेस ईशा चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट की थी और उस पर लिखा था कि अब वो डेली सोप करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस पर एकता कपूर ने रिप्लाई करते हुए लिखा था, जय माता दी, नागिन 4 के लिए तैयार हो जाओ। अब इस कमेंट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। कहीं ना कहीं टीवी की क्वीन ने इशारा दे दिया है कि उन्हें अपनी नई नागिन मिल गई है। Well, अब देखना ये होगा कि मौनी और सुरभि की तरह क्या ईशा चोपड़ा भी नागिन 4 में अपना कमाल दिखा पाएंगी या नहीं। एंटरटेनमेंट डेस्क, न्यूज़ टाइम्स इंडिया।